नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल आपका स्वागत है। आज हम गाड़ी का साइड मिरर चेंज करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसका साइड मिरर बिल्कुल ख़राब हो रखा है और टूट भी गया, देखो क्रैक हो गया है। तो इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए टूल वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, ओनली आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चेंज करने के लिए जो ये इसमें अल्टो में साइड के माउंट जैसे ये लगा हुआ है, इसमें एक लॉक लगा होता है अंदर, जैसे ये वाला लॉक गेट के अंदर भी लगता है, अंदर सीधा फंसता है। और एक ये लॉक होता है, ये तो उसका टूटा हुआ शायद, सही नहीं है, इस लॉक से ये रुका हुआ था। तो ये उतार लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो तीन स्क्रू लगे होते हैं, इसमें दो ही लगे हुए हैं। तो इन स्क्रू को आप सिंपल खोल लेना है। आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से इसको चेंज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको। एक चीज़ का ध्यान रखें, बोल्ट जैसे आप खोल रहे हो तो ये कई बार गेट के अंदर चला जाता है। ये वाली यहाँ पे जो जगह होती है इसके अंदर चला जाता है, फिर निकलता मुश्किल है। तो ये हमने दोनों बोल्ट इसके ओपन कर लिए हैं। तो ये जैसे डुप्लीकेट कंपनी का है, ओरिजिनल नहीं है इसकी हालत देखने से। और एक और मैं आपको निशानी बता देता हूँ इसकी, जो ओरिजिनल कंपनी का जो शीशा होता है वो ये वाला जो पार्ट है ये मेटल का होता है, और उसके अंदर मतलब दूसरी तरह की चूड़ी, जिस जैसे अपने और बोल्ट में बाकी चूड़ियाँ बनी होती है उस तरीके से चूड़ी बनी होती है, पैच नहीं। जो स्क्रू ड्राइवर स्क्रू है, पैच जिसको बोलते हैं, वो नहीं लगता उसमें। तो ये डुप्लीकेट है। तो हम ये MGP का साइड मिरर लेके आए हैं, ये करीब 390 रुपये का है। इसकी पैकिंग भी देखो अच्छी कर रखी है, काफी अच्छी पैकिंग कर रखी है इसकी, इस तरीके से लगेगा। ये देखो दोस्तों, ये जो इसका अंदर वाला पार्ट है ये मेटल का है, मतलब एल्युमिनियम टाइप मेटल है इसका बना हुआ है। तो इसमें आपके बोल्ट दूसरे लगेंगे, जो ये हमने पहले स्क्रू निकाले हैं ये वाले जो स्क्रू है ये नहीं लगेंगे। तो कई लोग बाग या मिस्त्री भाई आपको हो सकता है ये वाले स्क्रू टाइट कर दे, ढूंढने के चक्कर में आलस में छोड़ो ना यार ये लगा देते हैं, तो ये वैसे लग जाएंगे। देखो ये टाइट हो रहा है, लग जाएगा, ये लग भी जाएगा पर अंदर की चूड़ी ख़राब कर देगा और सही से टाइट नहीं होगा। तो आप इंश्योर करें कि या तो ओरिजिनल बोल्ट ही लगाए मैकेनिक, या आप अगर खुद लगा रहे हो तो MGP से ही आप इसके बोल्ट ले आओ। तीन बोल्ट मिल जाते हैं इस तरीके के, ये देखो इनकी बारीक चूड़ियाँ हैं, ये इस तरीके के वासल लगी हुई है और स्प्रिंग वासल भी लगी हुई है। इस तरीके के बोल्ट आप ले आओ तो वो सही रहेंगे, उससे ग्रिपिंग अच्छी हो जाएगी और शीशा हिलेगा नहीं आपका। तो इसको हम सिंपल टाइट कर देते हैं। पुराने शीशे के दो ही बोल्ट लगे हुए थे, इसके हम तीन लगा देते हैं। ये बोल्ट टाइट हुए अच्छे हो जाएंगे, आप जितना मर्जी इनको खींच लो स्लिप नहीं करेंगे। वो जो स्क्रू टाइप वाले बोल्ट है और जो डुप्लीकेट शीशा होता है उसमें नीचे प्लास्टिक का पार्ट होता है, तो प्लास्टिक के अंदर जो स्क्रू टाइट होते हैं अगर थोड़ा सा उसको ज़्यादा टाइट कर दोगे तो वो अंदर से फैल जाएगा इस तरीके से, तो कभी भी टूट सकता है या फिर एक तरफ से टेढ़ा हो सकता है वो। तो इसमें ज़्यादा फर्क भी नहीं है, वो 200-250 का आएगा, ये 390 का आया है। तो चीज़ तो ओरिजिनल है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये लो दोस्तों, तीनों स्क्रू टाइट हो गए। तो अभी आपको सिंपल हमें कवर लगाना है, जो ये वाला कवर है ये सिंपल लगाना है। ये लो दोस्तों, फिट हो गया और शीशा भी फिट हो गया। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।